नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 2018 बैच विशेष के लिए ये वीडियो है, ध्यान से सुनना है। अगर आपको प्रमोट होना है तो ये काम जरूर करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि DLED के बैक पेपर और परीक्षा कार्यक्रम की तिथि घोषित कर दी गई है, और इस डेट शीट में DLED 2018 बैच को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक भाग तो ये है जिसमें सभी अभ्यर्थी सभी विषयों में पास हैं, और जो दूसरा भाग है उसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट या अधिक सब्जेक्टों में बैक लेकर आए हैं। तो इस तरह सरकार ने यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम किया है कि DLED 2018 बैच में फूट डाल दी। अब वो दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे। वो कहेंगे कि जल्दी से परीक्षा कार्यक्रम करा दिया जाए, और जो बैक वाले हैं वो कहेंगे सबसे पहले हमारे जो बैक प्रकरण है उसका निस्तारण किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी हमारे DLED 2018 बैच के बैक वाले भाई बहन हैं उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों, अगर उनको प्रमोट होना है तो प्राथमिकता के तौर पर हमें एक काम करना होगा। प्राथमिकता के तौर पर हमें क्या करना होगा कि हमें बेसिक शिक्षा मंत्री के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या हमें भेजनी होगी। बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में इस तरह की जो बात है उसको पूरी तरह से लाया जाए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर 1,00,000 प्रशिक्षु हैं तो उन 1,00,000 प्रशिक्षु में कम से कम 80% तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उनका नंबर दे दूं तो आप यहां पर देख सकते, ये मंत्री जी का नंबर है यहाँ पर, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, 94153-630-28। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी का नंबर है। अब आप इस नंबर पर अपनी समस्या को लिख कर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए, काफ़ी समस्याएं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में सिर्फ यही एक समस्या है, शिक्षा विभाग में ढेर सारी समस्या है। और जितने भी आपके बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स हैं वो भी इसी नंबर पर अपनी समस्या मंत्री जी को बताते हैं, और जहां तक संभव होता है मंत्री जी उस समस्या का निवारण भी करते हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री तक अपनी समस्या जरूर पहुंचाइए। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम मंत्री जी को लिखकर क्या भेजें, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाएं, तो एक मैं आपको ड्राफ्ट दे सकता हूं। क्योंकि आपकी जो समस्या है, अगर आप उस समस्या से पीड़ित हैं तो ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि मैं भी उस समस्या से पीड़ित हूं। तो इसके लिए मैंने पहले ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी को एक संदेश भेज दिया है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो चलिए मैं वो दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पहले ही एक व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज दिया है। यहां पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, नमस्ते सर, मैं उत्तर प्रदेश में DLED 2018 बैच का अभ्यर्थी हूं। अभी 29 सितंबर 2020 को DLED की परीक्षा तिथि घोषित की गई है, जिसमें 2018 बैच में सभी विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोन्नत किया गया है, जबकि मात्र एक विषय में बैक लगने के कारण मुझे प्रोन्नत नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रोन्नत करने का आधार कोरोना है, ना कि किसी विषय में पास या फेल का होना। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही है कि अगर आप जो प्रमोट कर रहे हैं उसको प्रमोट करने का जो आधार है वो कोरोना महामारी है, ना कि ये है कि अगर किसी विषय में कोई बच्चा बैक ला के आया है तो उसको आप प्रोन्नत नहीं करेंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह की दादागिरी, इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। PNP के इस निर्णय से मेरे जैसे DLED 2018 बैच के लगभग 1,00,000 अभ्यर्थी मानसिक तनाव से पीड़ित हैं और अवसाद की स्थिति में हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी बैक वाले विषय की परीक्षा लेकर हमें तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। आपकी महान दया होगी, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। और जहां पर मैंने लिखा है समस्त DLED 2018 बैच अभ्यर्थी, वहां पर आप अपना नाम लिखिए और अपने जिले का नाम लिखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस तरह की आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इस तरह का एक मैसेज आप जरूर भेजें, प्रत्येक दशा में ये काम जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप YouTube देखते हैं तो निश्चित तौर पर व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, और अगर हो सके तो आपके घर में जितने भी मोबाइल हों उन सभी मोबाइल से आप एक एक मैसेज बेसिक शिक्षा मंत्री जी को जरूर करें। और इसी DLED 2018 बैच को पूरी तरह से प्रमोट कराने के लिए मैंने एक और मुहिम का आगाज किया है, उसका वीडियो आपको अभी जल्दी में मिल जाएगा। उसमें भी मैंने कई चीज़ें की हैं कि किस तरह आप PNP के अधिकारियों और SC या
के अधिकारियों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा मुसीबत में हैं। देखिए, आपके नेतागणों ने जो धरना किया उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे वो लोग पास थे। केवल 50% ऐसे अभ्यर्थी होंगे उस धरने में जो बैक लेकर आए थे। इसीलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आज अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद एक मैसेज ये जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये मान के चलिए आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये जरूर से जरूर करना है। आपको मैंने नंबर भी बता दिया, नंबर भी आप यहां पर देख सकते हैं, दोबारा नंबर देख सकते हैं, 94153-630-28 ये नंबर है मंत्री जी का। इस पर आप जरूर से जरूर अपनी समस्या लिखकर भेजिए। इसी जानकारी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और डीएलएड 2018 बैच को प्रमोट करने के लिए मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूं और जो भी संभव होगा, ये मान के चलिए कि मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत सी मुसीबतें देखी हैं नौकरी से संबंधित, तो नौकरी से संबंधित जो जो मुसीबतें देखी हैं और उनका जो अनुभव है मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा और इन सब मुसीबतों से कैसे निकला जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपको काम जरूर करना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी बैक वाले अभ्यर्थियों को ये बात पता लग जाए कि हमें करना क्या है, किस रणनीति के तहत काम करना है। क्योंकि अपना काम अपने हाथ ही करना है, किसी नेता के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जो नेता हैं वो आपके वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कई नेता तो इस समय चंदा लेने के लिए भी खड़े हो गए कि चंदा दो कोर्ट जाएंगे और अपना भला करेंगे और अभ्यर्थियों का भला हो या ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप लोग ये काम जल्द से जल्द कर लें और नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये काम कर दिया है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई रणनीति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।